गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल था नंबर, ठीक है। ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूल्स थे। कुछ रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे और कुछ रूल्स अभी भी रीड करना बाकी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ऑलरेडी, अभी हम उसी को रिवाइज़ करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगी, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर एक बार फिर से रीड कर लेते हैं जहाँ तक हमने रीड किया था, और फिर मैं आपको एक्सरसाइज समझा दूँगी। देखो, फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द फॉलोइंग। इन पिक्चर्स को देखो और रीड करो। तो हमने ये पिक्चर देखी कि ये एक आदमी खड़ा है, तो हमने लिख दिया वन मैन, एम ए एन मैन, एक आदमी है इसलिए हमने एम ए एन मैन लिखा। यहाँ पे क्या है, वन डॉग, तो हमने लिख दिया वन डॉग। ये वन मैंगो है तो हमने यहाँ लिखा वन मैंगो, ठीक है। द नाउन मैन स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन। द नाउन डॉग स्टैंड्स फॉर ओनली वन एनिमल। द नाउन मैंगो स्टैंड फॉर ओनली वन फ्रूट। द नाउन मैन डॉग मैंगो आर देयरफॉर सेट टू बी इन द सिंगुलर नंबर। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी है, वन मैन है, वन डॉग है और वन मैंगो है। वन मैन एक इंसान के लिए है, वन डॉग एक जानवर के लिए है और वन मैंगो वन फ्रूट के लिए है, ठीक है। तो ये वन क्यों है, क्योंकि ये नंबर में वन ही है। एक आदमी, एक कुत्ता, एक मैंगो है ना। तो जब कोई नाउन वन होता है यानी कि एक ही होता है, तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। ये तीनों क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ये सिंगुलर, ये सिंगल मैन है, एक आदमी है, ये एक कुत्ता है, ये एक मैंगो है, ये सब एक है नंबर में, इसलिए हम इसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, कोई भी नाउन वो एक पर्सन के लिए हो या एक एनिमल के लिए हो या एक जगह के लिए हो या एक सामान के लिए हो, तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो आदमी हैं तो हमने लिखा टू मैन। यहाँ पे थ्री डॉग्स हैं, हमने यहाँ लिखा थ्री डॉग्स। और यहाँ पे फोर मैंगोज हैं तो हमने लिखा फोर मैंगोज। यहाँ पे वन थे, सिर्फ वन थे, इसलिए हमने लिखा सिंगुलर नंबर। ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर। यहाँ पे दो आदमी हैं, तीन कुत्ते हैं और चार मैंगोज़ हैं, तो अब ये कौन से नंबर हो गए, ये हो गए प्लूरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ एक थे इसलिए सिंगुलर, यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जब हमने मैन की स्पेलिंग लिखी थी, जब ये एक था तो हमने एम ए एन मैन लिखा था, ठीक है, ये सिंगुलर था। अब यहाँ प्लूरल हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, इसलिए हमने मैन की स्पेलिंग लिखी एम ई एन मैन, ठीक है। यहाँ पे जब सिंगुलर नंबर था तो हमने लिखा डॉग, लेकिन यहाँ पे जब प्लूरल नंबर हुआ तो हमने लिखा डॉग्स, डी ओ जी एस, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे, और ये सिंगल था इसलिए वन डॉग। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जब मैंगो लिखा, जब ये सिंगुलर नंबर था तो हमने मैंगो लिखा, लेकिन जब ये प्लूरल नंबर हो गए यानी कि जब ये बहुत सारे हो गए तो हमने मैंगोज़ लिखा, है ना, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज़ लिखा। तो ये डिफरेंस होता है सिंगुलर नंबर में और प्लूरल में। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो जब हम लोग बहुत सारे लिखते हैं, जब हम लोग प्लूरल नंबर लिखते हैं, तब स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है प्लूरल नंबर्स और ये है सिंगुलर नंबर्स। द नाउन्स एम ई एन मैन, डी ओ जी एस डॉग्स, एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज आर देयरफॉर सेड टू बी द प्लूरल नंबर्स, ठीक है, ये प्लूरल नंबर्स हो गए। तो ऐसे ही हमने कुछ और एग्जांपल देखा। देखो, जब एक बुक थी तो हमने लिखा अ बुक, लेकिन जब बुक्स ज़्यादा हो गई, जब प्लूरल नंबर हो गया, तो हमने लिख दिया बुक्स, एस भी लगाया, ठीक है। जब सिंगुलर नंबर था तो हमने लिखा कैट, जब प्लूरल हो गए तो हमने लिखा कैट्स, सी ए टी एस। जब सिंगुलर नंबर था तो हमने लिखा ईयर, ई ए आर, जब प्लूरल हो गए तो हमने लिखा ईयर्स, ई ए आर एस। यहाँ पे भी देखिए, जब सिंगुलर नंबर था तो हमने लिखा चेयर, जब प्लूरल हो गए तो हमने लिखा चेयर्स। सिंगुलर गर्ल थी, हमने लिखा गर्ल, जब वो प्लूरल हो गई तो हमने लिखा गर्ल्स, एस लगा दिया। यहाँ पे देखो, आई जब सिंगुलर था, प्लूरल होते ही हमने लिखा आईज। तो यानी कि जब हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे बुक पे एस लगाया तो बुक्स बना,
कैट पर एस लगाया तो कैट्स बना, ईयर पर एस लगाया तो ईयर्स बन गया, आई पर एस लगाया तो आईज बन गया, गर्ल पर एस लगाया तो गर्ल्स बन गया, चेयर पर एस लगा दिया तो चेयर्स बन गया। यानी सिंगुलर किस में बदल गया, एस लगाते ही किस में बदला, प्लूरल में बदल गया। ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम स्पेलिंग भी चेंज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो पी ई एन पेन, अब ये सिंगुलर था और हमको इसको प्लूरल बनाना था तो हमने क्या लिखा, पी ई एन एस पेन्स। हैंड सिंगुलर है और हमें प्लूरल बनाना था तो हैंड का प्लूरल क्या हो गया, हैंड्स। काऊ का प्लूरल क्या हो गया, काउस। चेयर का प्लूरल क्या हो गया, चेयर्स। टेबल का प्लूरल क्या हो जाएगा, टेबल्स। और डोर का प्लूरल क्या हो जाएगा, डोर्स। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि जब हमें सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम एस लगा सकते हैं। और क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ देखो, नाउन्स दैट एंड इन अ हिसिंग साउंड सी एच एस 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 एच या एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, जैसे इनमें तो हम एस लगा रहे थे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, देखो जैसे बंच, अब बंच के लास्ट में सी एच आ रहा है ना, तो इस सी एच हम देखेंगे कि अरे इसमें तो लास्ट में सी एच आ रहा है, तो अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ई एस और लगा देंगे, तो बंच बन जाएगा बंचेस। ठीक है, अब देखो बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में एक्स आ रहा है ना, तो हम देखेंगे कि लास्ट में एक्स है तो इसका मतलब प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जिसके लास्ट में सी एच हो, एस एस हो, एस एच हो या एक्स हो, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ये वर्ड्स आ जाते हैं, ये आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे बंच का बंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस। वैसे ही आगे देखो, यहाँ पर बेंच, बेंच के लास्ट में सी एच है ना, तो हमने ई एस लगा दिया, बेंचेस। क्लास, तो क्लास के लास्ट में एस एस है ना, तो एस एस को देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल कैसे बनाना है, ई एस लगाकर बनाना है। तो बेंच का बेंचेस, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, डिश का डिशेस, चर्च का चर्चेस, वॉच का वॉचेस। तो कुछ को प्लूरल बनाने के लिए हमने एस लगाया और कुछ वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस लगाया। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि हमें ई एस लगाना है, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जिन वर्ड्स के लास्ट में सी एच हो, एस एस हो, एस एच हो या एक्स हो, इनके साथ हम लोग ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पे कुक है, इसके लास्ट में ना तो एस एस है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना एक्स है, तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, कुक की जगह कुक्स कर देंगे, एस लगाएंगे। अब यहाँ देखो मैच, अब मैच के पीछे सी एच है और जिसके पीछे सी एच होता है उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, ई एस लगा कर बनाते हैं, तो हमने मैच का बना दिया मैचेस। अब देखो मेडल, अब इसमें ना तो एस एस है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना एक्स है, तो इसके लिए हम सिर्फ एस लगाएंगे, तो मेडल का हो जाएगा मेडल्स। शू का हो जाएगा शूज, रिवर का हो जाएगा रिवर्स, लेकिन यहाँ देखो बैच, बैच के पीछे सी एच लगा हुआ है तो ये हो जाएगा बैचेस। बुश, बुश के पीछे एस एच लगा हुआ है तो ये हो जाएगा बुशेस। रोज़, अब देखो रोज़ के पीछे ना एस एच है, ना सी एच है, ना एक्स है, तो हम रोज़ का कर देंगे सिंपल एस लगा के रोजेस। फिश का, फिश का बेटा प्लूरल फिश ही रहता है, या आप चाहें तो ई एस भी लगा सकते हैं। फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस, हमने पढ़ा था ना कि जिसके लास्ट में एक्स हो तो उसका प्लूरल ई एस लगा के बनाते हैं, तो फॉक्स का हो गया फॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक का मैं आपको दे रही हूँ, एक तो जितना मैंने समझाया है उतना आप फिर से देखेंगे और समझेंगे, और ये आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में ये एक्सरसाइज 1 to 10 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू डू योर होमवर्क एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।